हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बताऊंगा आपको नूसा मैप में टैक्टिकल क्रॉसबो कैसे मिलेगा और स्पेशली फ्लेमिंग बोल्ट वाला। तो इसकी लोकेशंस बताने से पहले इसके यूज़ की बात कर लेते हैं कि आपको फ्लेमिंग बोल्ट वाला टैक्टिकल क्रॉसबो कहाँ पर काम आने वाला है। तो सबसे पहले बता दूँ आपको नूसा मैप में जो ऐसे घर दिखते हैं झोपड़ी वाले, उनमें अगर कोई एनिमी कैंप कर रहा हो तो आप इजीली पता लगा सकते हो अगर आपके पास फ्लेम वाला टैक्टिकल क्रॉसबो हो। तो कैसे? अगर आप फ्लेमिंग बोल्ट को झोपड़े पर शूट करोगे तो ये जो छोटा सा हट है ये पूरा जल जाएगा कुछ ऐसे, और इसमें आपको एनिमी की लोकेशन रिवील हो जाएगी। और अब सेकंड यूज़ की बात करते हैं, तो जैसे कि ये फ्लेमिंग बोल्ट है और इससे आग भी लग रही है, तो इसे अगर आप एनिमी पर शूट करोगे तो उसको बर्निंग डैमेज पड़ेगा और उसकी धीरे धीरे हेल्थ जाती रहेगी। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्लेमिंग बोल्ट से इसको धीरे धीरे डैमेज पड़ा और ये ऑटोमेटिकली किल हो गया। और अब बात करते हैं आपको ये टैक्टिकल क्रॉसबो कहाँ पर मिलेंगे स्पेशली फ्लेमिंग बोल्ट के साथ। तो सबसे पहले लोकेशन का नाम है क्रिस्टल बे, जिसमें आपको एक सीक्रेट रूम मिलेगा और वो आपको एक चाबी के थ्रू खोलना पड़ेगा। तो वो की कैसे मिलेगी आपको और एग्जैक्टली कहाँ पर मिलेगी, तो इसके ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको ऊपर आई कार्ड बटन पर दिख जाएगी, और उसे देख के आपको पहली लोकेशन मिल जाएगी टैक्टिकल क्रॉसबो की। हालांकि ये वाला क्रॉसबो आपको कहीं भी मिल जाएगा बट नॉर्मल एमो के साथ। अगर आपको फ्लेमिंग बोल्ट भी चाहिए साथ में तो उसकी पहली लोकेशन तो मैंने बता दी, अब एक और सेकेंड लोकेशन मिली है मुझे जो कि सिटी साइड है, टैली पार्क टाउन। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जिसमें 7-7 फ्लोर्स हैं, तो वहाँ पर आपको एंट्री करते ही ग्राउंड फ्लोर पे एलिवेटर मिल जाएगा जिससे आप बिल्डिंग के लास्ट वाले फ्लोर तक पहुँच जाओगे। और फिर एलिवेटर का मजा लेने के बाद आपको जो सामने गेट दिखेगा, एलिवेटर के गेट ओपन होते ही उसके अंदर चले जाना है। फिर आपको एक और गेट दिखेगा, उस पर ऐसे कुछ साइन बने होंगे, तो इसमें घुसने से पहले आप अपनी गन रिलोड रखना क्योंकि यहाँ घुसते ही आपको दिखेंगे एडवांस बोट, जिनका नॉर्मल बोट से डैमेज बहुत ज़्यादा होने वाला है। और जब आप इन्हें किल करोगे तब आपको इनके क्रेट्स में से नॉर्मल लूट, टैक्टिकल क्रॉसबो, नॉर्मल बोल्ट और साथ में फ्लेमिंग बोल्ट भी मिल जाएंगे। तो इस एरिया में ऐसी और भी बिल्डिंग्स है। अब एक बिल्डिंग पर अगर आप टॉप पर चले गए तो अब इसकी रूफ के थ्रू आप दूसरी बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो टॉप फ्लोर से, और फिर उन बोट्स को भी आप इजिली मार सकते हो। और जितने भी आप ये मैका सोल्जर किल करोगे उन सभी की ही क्रेट में से आपको टैक्टिकल क्रॉसबो और फ्लेमिंग बोल्ट मिल जाएगा। और आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपने फ्लेमिंग बोल्ट के साथ क्या क्या एक्सप्लोर किया। बाकी ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में बोलना चाहूँगा, वीडियो हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।